हेलो डियर टेंथ क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास टेंथ केमिस्ट्री के साथ हमने हमारे सारे लेक्चर्स को जो पांच चैप्टर्स थे उनके एक्सप्लेनेशन वीडियोस को कंप्लीट कर लिया है यहां तक कि हमने उनके अलग अलग लेवल्स के अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के एमसीक्यूज को भी कर लिया है और अब टाइम आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू के पी जो केमिस्ट्री के हैं उसका लेवल टू चल रहा है हम लोग लेवल वन कंप्लीट कर चुके हैं पिछला ही वीडियो लेवल वन का रहा है

सबसे पहला क्वेश्चन हाउ डू वी नो दैट फिशन इज इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सन एनर्जी हमें कैसे पता चलता है ये कि फिशन के कारण जो सूर्य की एनर्जी है जो सन की एनर्जी है वो फिशन के कारण नहीं है चलिए देखते हैं फिशन डजन प्रोड्यूस इनफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ फ्यूल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि फिशन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ फ्यूल मतलब एक ग्राम फ्यूल में उसकी इनफ एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती है फिशन में तो इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि फिशन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता जितनी सन के पास है ओके इफ़ फ़िशन वर गोइंग ऑन इन द सन द सन वुड एक्सप्लोड अगर फिशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो सन एक्सप्लोड हो जाएगा सन क्यों एक्सप्लोड होगा जब वो एनर्जी ही इतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो सन के एक्सप्लोड होने की चांस नहीं है और एक्सप्लोड भाई वो एक बॉल ऑफ गैसेज है वहाँ पर कंटिन्यूसली कन्वर्जन चल रहा होता है वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम आपको मिलते हैं ओके okay. sun, तो दो में से ज़्यादा में चला गया। अब में पहले जितना था वही तो टूट के दो या तीन टुकड़ों में गया है तो फिर मास के इंक्रीज होने का तो कहीं से चांस ही नहीं आता है ओके देयर इज इंट वेरी मच फैशनेबल मटीरियल इन द सन और उनका कहना है कि वहां इतना मटीरियल ही नहीं है फैशनेबल सन में जो फिशन हो सके सो so, ये ऑप्शन गलत है द करेक्ट इज की फिशन इतनी एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं करता है जितना सन गर्म है ओके लेट्स चेक ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विध रिस्पेक्ट टू डायमंड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है द कार्बन आइटम्स आर कनेक्टेड टूच अदर बायिक बॉन्ड अरे कहा कि मेटालिक बॉन्ड डायमंड है वो तो कार्बन का बना हुआ है और कार्बन मेटल थोड़ी ना होता है वो तो नॉन मेटल है यहां पर को वैलेंट बॉन्ड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं तो ये ऑप्शन गलत इन द डायमंड क्रिस्टल कार्बन आइटम्स आर वेरी लूजली पैक्ड बिल्कुल नहीं भाई बहुत अच्छा टाइट पैकिंग होती है कार्बन की सो so, यह ऑप्शन भी गलत हो गया

डायमंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हो सॉरी डायमंड की बात हो रही है सो so, कार्बन और डायमंड सेम चीज है बट कार्बन का एक फॉर्म है डायमंड ओके कार्बन इज द एलिमेंट एंड डायमंड इज द एलोट्रोपिक फॉर्म सो आप डायमंड को लो टेम्परेचर और प्रेशर पे तैयार नहीं कर सकते उसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है ओके okay, सो so, ये स्टेटमेंट भी गलत है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्योंकि उनने ट्रू पूछा है ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट स्ट्रिप्स ऑफ मेटल एक्स उंड ऑन बोथ दिप्स विच ऑफ दुड बी मेटल एक्स उन बोला है कि भाई एक मेटल है एक्स ये हमने दो सोल्यूशन में डिप किया है अब ये जो मेटल एक्स है इन दोनों के ऊपर हमें ग्रेस डिपोजिशन मिला अब डिपोजिशन मिल रहा है इसका मतलब यह है कि सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट दोनों में से उसने सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया जिंक नाइट्रेट से जिंक को डिस्प्लेस कर दिया मतलब कोई ऐसा मेटल है जो सिल्वर और जिंक दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है ओके अगर हम बात करें कॉपर की तो कॉपर सिल्वर से तो ज्यादा रिएक्टिव है मगर जिंक से कम है मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो हम हमारी रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले लिख देते हैं ये देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है हमारा सिल्वर कहां पर है अगर सिल्वर देखें तो ये ही है सिल्वर जो एच के बाद है और दूसरा है जिंक ये हमारा जिंक है ओके सो यहाँ पे सिल्वर और जिंक दिए हुए हैं अब इन दोनों को डिस्प्लेस करने वाला कौन सा हो सकता है कॉपर कॉपर तो नीचे है जिंक के मैग्नीशियम डेफिनेटली मैग्नीशियम ऊपर है ये जिंक को और सिल्वर को दोनों को डिस्प्लेस कर सकता है तो मैग्नीशियम पे हम टिक कर लेते हैं अब बात आती है की तो पीबी जेडन से नीचे है और एफी की सो भी से नीचे है इसका मतलब और सिल्वर को दोनों को मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है तो आर मेटल एक्स इज मैग्नीशियम लेट्स चेक मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउटन रियक्शन से गलत कौन से है ऑक्सीडाइज okay. Fe. हो रहा है क्या ऑक्सीडाइज हाँ, होता दिख रहा है बल्कि एफ टू ओ थ्री से एफ बनना यह तो रिडक्शन है दिस इज रिडक्शन ओके तो यह स्टेटमेंट गलत Fe2O3 Fe2O3 बिल्कुल नहीं अगर इसका reduction हो रहा रहा है तो ये oxidizing agent की तरह काम कर होगा क्योंकि Fe2O3 अपना कार्बन मोनॉक्साइड को दे रहा है और कार्बन मोनॉक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनवा रहा है तो यह स्टेटमेंट भी गलत है CO इज एक्ट एज a रिड्यूसिंग एजेंट जो कार्बन मोनॉक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है बिल्कुल सही क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनना ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये स्टेटमेंट सही है एंड CO इज गेटिंग रिड्यूस्ड तो CO रिड्यूस हो रहा है वो भी गलत है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये गलत हमसे गलत पूछे हैं 1 2 एंड 4 सो 1 2 एंड 4 ऑप्शन बी करेक्ट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं से कौन सी रिएक्शन अकर ही नहीं होगी मैग्नीशियम प्लस एच टू एसओ फोर गिवस एम जी एसओ फोर प्लस एच टू बिल्कुल होगी सी यू प्लस एच टू एसओ फोर गेवस यूएस एच टू यह बिल्कुल नहीं होगी क्यों क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर हाइड्रोजन <coughs> के जस्ट नीचे है कॉपर तो कॉपर हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता ना कॉपर डिस्प्लेस ही नहीं एफिशिएंसी नहीं रहेगा so, कॉपर को नहीं रिएक्शन नॉट पॉसिबल गलत हो गई टू एल प्लस सिक्स एच सी एल गए थ्री बिल्कुल पॉसिबल है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है तो ये भी हो जाएगी और एफ प्लस टू एच सी एल ये भी कर सकता है क्योंकि आयरन भी हाइड्रोजन से ऊपर है सो एफ बनेगा बिल्कुल सही सो so हमारा बी वाला जो है वो नॉट अकर मतलब पॉसिबल नहीं है ऑप्शन बी चलिए चेक करते हैं यस ऑप्शन बी इज करेक्ट रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय अब रैंसिडिटी आप कैसे बचा सकते हैं Adding antioxidants to oily food stuff, बिल्कुल अगर आप एंटी ऑक्सीडेंट को एड कर दो ऑयली फूड स्टफ में तो आप रैंसिटी से बचा सकते हो हमारे कौन कौन से होते हैं बी एच टी और बी एच एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुवीन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनेसोल ये हमने पढ़ा भी है हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोज में ये दो ऐसे हैं जो ऑयली फूड को रैंसिटी से बचा लेते हैं ओके फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस इंटू पैकेट ऑफ ऑयली फूड ड्यूरिंग पैकेजिंग बिल्कुल सही आप ऑक्सीजन से बचाने के लिए ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए नाइट्रोजन को भर दो तो नाइट्रोजन क्या करेगी ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देगी और नाइट्रोजन खुद नॉन रिएक्टिव गैस होती है, so है. चलिए चेक करें ये ऑप्शन सी इज करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए आयरन फिलिंग्स अ अल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट

आयरन कॉपर की जगह आके कॉपर को हटा देगा इट विल फॉर्म FeSO4 Cu Cu जो होता है वो रेड कलर का होता है रेडिश ब्राउन भी आप बोल सकते हो और FeSO4 जो होता है ये ग्रीनिश कलर का होता है सो so, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा ये दिया है ग्रीन और रेडिश ब्राउन कलर का हमारा डिपॉजिट हो जाएगा ये पूरा आंसर है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन इज थर्टीन इट मीन दैट इट इज जीरो से लेके फोर्टीन तक हमारी पीरियोडिक टेबल है ये सेवन इसका न्यूट्रल है यहां तेरह की बात हो रही है कि भाई तेरह क्या है पी एच ऑफ द सोल्यूशन अगर तेरा है तो वो क्या है यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलते हैं ये हमें पता है ओके वी फाइंड स्ट्रोंग बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलते हैं इधर मॉडरेट एसिड्स इधर पे वीक एसिड यहां पर वीक बेस एंड यहां पे मॉडरेट बेस तो उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारा आंसर होना चाहिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट

बट कार्बन और ऑक्सीजन तो यही है सो कैल्शियम कार्बोनेट को ही अगर आपको याद हो तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तो इट्स फॉर्म सी ए ओ एंड सीओ टू सीओ टू रिलीज करता है सो so, हमारा लाइमस्टोन जो होगा सी वो करेक्ट आंसर होगा ओके okay. चेक करते हैं इट इज करेक्ट चलिए नेक्स्ट प्रोसेस इंप्लाइड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है हमने पढ़ा हुआ है कि सल्फाइड ओर्स के कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन रोस्टिंग जो होता है वो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए होता है है ना ऑक्साइड में सल्फाइड और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग होता है इलेक्ट्रोलिस जो होता है वो हम खास करके यूज़ करते हैं जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके लिए और बेसिमराइजेशन जो होता है इस बेसिमराइजेशन में हम कॉपर सल्फाइड को जो हमारा कॉपर का सल्फाइड होता है ना सी इसको कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए बेसिमराइजेशन एक प्रोसेस होती है वो किया जाता है तो ये तो लाइन से ही हट गया ये कॉपर के लिए यूज़ होता है है ना और फ्रॉथ uh, फ्लोटेशन जो है वो किसी भी सल्फाइड और के कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होता है सो ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक क्या है हमने हमारे सिलेबस में पढ़ा हुआ है आ, हमारा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सॉरी एल्यूमिनियम और जिंक जो हमारी एनसीआरटी में दिए हुए हैं तो यहां एल्यूमिनियम दिया हुआ है चलिए चेक करते हैं ऑप्शन डी एल्यूमिनियम इज करेक्ट ओके नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ दर्थ ये भी एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है ये फैक्ट है आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो है वो सर्फेस ऑफ द अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडली मिलता है सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट डायल्यूट एल्कालाइन केएमएनओ फोर सोल्यूशन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कालाइन के एम फोर जो है ये वाला पार्ट ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑक्सीजन की देखो भरबार है उसमें ओके सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एक चेक करते हैं

ओके okay, इसे कार्बनाइजेशन बोलते हैं चेक करते हैं यस ऑप्शन बी इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है कैटेनेशन बिल्कुल है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन ये भी होता है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग बॉन्डिंग के लिए डी ऑर्बिटल की आ, आ, मतलब इसमें प्रेजेंस है वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें उसका अटोमिक नंबर है छ अग, अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो एज पर ऑफ बॉ प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है जो इलेवेंथ क्लास की एनसीआर में आता है उसे ऑफ बॉ प्रिंसिपल बोलते हैं सो ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से वन एस टू जस्ट टू एस चार हो गए टू छे अब यहां डी तक तो पहुंचा ही नहीं ना डी कैसे आता टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस और थ्री डी अब देखो डी यहां आ रहा है यहीं पे हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए कार्बन के छह इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल तक है डी है ही नहीं बॉन्डिंग के लिए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द ग्रुप अपने खुद के ग्रुप में टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है ना तो कार्बन का जो ग्रुप है टॉप टू बॉटम उसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है बिल्कुल सही पॉइंट है ऑप्शन सी जो है दैट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन यस ओके चलिए आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव प्रियोडिक टेबल इसमें से मेडिलीव की गलतियां क्या है क्या डिमेरिट्स रहे हैं नो प्रॉपर पोजिशन फॉर हाइड्रोजन इज गिवेन एक डिमेरिट है बिल्कुल ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स की हुई है, की गलती हुई है. के साथ उसे कहीं डाल दिया है में. तो एक ये भी डिमेरिट है पोजिशन गिवन टू आइजोटोप्स आइजोटोप्स कोई जगह नहीं दी गई थी यही तो प्रॉब्लम है कि पोजिशन दिया ही नहीं ना उसको तो ये डिमेरिट हो गया

पुट ऑल दी नोन एलिमेंट इन अ प्रॉपर फॉर्म अ प्रॉपर पीरियोडिक टेबल ओके चेक करते हैं येस ओके सो इसी के साथ हमारे यहां पे एमसीक्यूज होते हैं कंप्लीट आप चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं कि अगर आपको आपके वीडियोस देखने में कोई दिक्कत आ रही है सीक्वेंस में यूट्यूब चैनल पे तो क्या उसका सलूशन है सबसे पहला सजेशन होता है कि प्लेलिस्ट को आप सर्च करें प्लेलिस्ट में पूरे सीक्वेंस में वीडियोस मिलते हैं वो आप यूट्यूब में सेटिंग्स में फिल्टर पे लग, फिल्टर पे जाके और फिल्टर लगा के आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए तो आपको प्ले मिल जाएगी नेशनल साइंस ओलंपियाड की अगर तो भी दिक्कत आ रही है तो मैगनेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे पे जा पे जाइए www.magnetbrains.com और वहां जाके लेफ्ट हैंड आप देखेंगे तो आपको पूरे सिलेबस मिल जाएंगे ठीक है यहां आपको केमिस्ट्री भी मिलेगा और बाकी बायोलॉजी भी है मैथ्स भी है इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड भी है आप ओलंपियाड पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां आपको क्लासेस भी दिखेंगी आप टेंथ नाइन्थ जो भी स्टूडेंट आप जो भी मतलब स्पेसिफिक स्टूडेंट है वो अपनी अपनी क्लास पे क्लिक करके और अपने वीडियोज को देख सकते हैं वॉचनाओं पे क्लिक करके ठीक है सो so आप जैसे यहाँ पे वॉचनाओ पे क्लिक करेंगे

मैग्नेट ब्रेन के लेकर ट्वेल्थ क्लास तक एनसीआर स्टेट बोर्ड एन टी एस सी ओलम्पियाड इन सबके वीडियो परसेंट फ्री में क्वालिटी नहीं लेना है, कोई पे नहीं करनी है क्योंकि यहां सारी चीजें हंड्रेड परसेंट फ्री है आपको वीडियो लाइक like करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे शेयर करना है अपने सिबलिंग रिलेटिव अपने पियर ग्रुप के साथ सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड सच P by Q's. Thank you.